Complete English Grammar Course Day 3 and today's topic is verb. Okay, आजीर वीडियो रे हमें verb जानिबा, verb रो types जानिबा, कौन-कौन types रोईची से सब जानिबा. And वीडियो को last point दा निश्चय देखों तो बहुत किसी basic things आपनों ए वीडियो रो clear हबे. So, let's begin today's class. So, first हमें जानिबा कि verb कौन, verb रो उड़िया meaning होची क्रिया. मीन्स कौन से कार्य को सूचे मीन्स जमी कह खाइबा खाइबा गोटे कार्य फिजिकाली जो सब कार्य कर दौड़ा हो पढ़ा कह हसवा नाचवा बुलवा सब हूँ गोटे कार्य एंड कौन इंग्लीश कह वर्ब मीन्स क्रिया एंड तर कौन टाइप्स रही जान जमी कि एक्शन वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स इनट्रांजिटिव वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल वर्ब्स सहित रेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स सेमती फ्रेजल वर्ब्स इनफिनिटिव्स ओके तो एबे हमें टाइप्स जानते बट एबे हमें डिटेल ले जानिबा सो फर्स्ट हमें जानिबा कि डिविजन ऑफ वर्ब वर्ब को दुई भाग रे डिवाइड करा छि वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द अदर इज एक्शन वर्ब और मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब जोटा सेटा को ही हमें मेन वर्ब कहिबा सो आम जान लें गोटे हूँ हेल्पिंग वर्ब आउ अन्य हूँ एक्शन वर्ब और मेन वर्ब एंड से हेल्पिंग वर्ब को दुई भाग डिवाइड करा छि गोटे हूँ मॉडल वर्ब एंड अन्य हूँ ऑक्सिलरी वर्ब एंड से ऑक्सिलरी वर्ब कहले कौन ना बी वर्ब डू वर्ब एंड हाफ वर्ब जोटा आम आग को पढ़वा एंड से मॉडल वर्ब को दुई भाग डिवाइड करा छि गोटे हूँ सेमी मॉडल जोटा कि जो कैटेगरी जाउ छि कि नीड डेयर यूज टू डू एंड आउट हूँ मेन मॉडल एंड मेन मॉडल कैटेगरी को मन जाउछन्ते जेंते में कहबा कि कैन कोड साल सूट मस्ट माइट ओके मे ए सब हेउची ए सब मॉडल हिजबो मेन मॉडल एंड सेमी मॉडल कहले कोन ना नीड डेयर यूज टू डू मीन्स ए सब मेन वर्ब रूप रे व्यवहार हि परबो ता सते गोटे मॉडल रूप रे भी व्यवहार हि परबो सेत लागि एटा ए तीनटा वर्ड सेमी मॉडल कैटेगरी जाउची ए सब मेन वर्ब रूप रे व्यवहार हि परबो ता सते मॉडल रूप रे भी व्यवहार हि परबो बट मेन मॉडल जोटा में कहबा कि कैन कोड मे माइट साल सुड विल वुड ए सब हूँ मेन मॉडल मीन्स ए सब हूँ गोटे गोटे मॉडल या मेन वर्ब रूप से व्यवहार कर पारिबा ओके नेक्स्ट आम देखा कि मेन वर्ब जहाँ को एक्शन वर्ब भी कही पारिबा जमीक आम स्टार्टिंग रू जान लेना वर्ब रो डेफिनेशन मीन्स प्रत्येक कार्य व प्रत्येक क्रिया हूँ गोटे गोटे वर्ब तो सेटा ही हूँ मेन वर्ब ताको सही वर्ब को आम मेन वर्ब कही पारिबा नले एक्शन वर्ब कही पारिबा एंड से मेन वर्ब एंड एक्शन वर्ब दुई बारे डिवाइड करा छी गोटे होची एक्शन वर्ब जोटा कि फिजिकल फिजिकली जोटा करा जाउथबो सेटा हमें मेन वर्ब बा एक्शन वर्ब कहबा एंड आउट होची स्टेट वर्ब बा स्टेटिव वर्ब सो एबे हमें डिवीजन जानले एबे हमें वन बाय वन डिटेल रे डिस्कस करबा सो फर्स्ट हमें जानबे कि वर्ब मीन्स हमें जानले बा क्रिया बा कार्य वर्ब रो ओडिया मीनिंग हेला क्रिया बा कार्य एंड आपण ओडिया रे भलसे बुझी पारथबे तो एबे हमें तार डेफिनेशन जे जानबा कि जेउ कार्य कर्ता द्वारा करा जाय थाए ताकू हमें वर्ब कहबा बा क्रिया कहबा मीन्स गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट जे हमर थाए से जे कार्य से करिथाए बा ता द्वारा जेउ कार्य हेइथाए सेइटा को हमें कोन कहबा ना क्रिया कहबा बा वर्ब कहबा मीन्स सब्जेक्ट जहा करिथाए गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट जहा करिथाए सेइटा ही क्रिया बा वर्ब तो एबे हमें टाइप्स जानबा कि फर्स्ट हमें देखबा कि एक्शन वर्ब कौन ना जेमते हमें कहले कि फिजिकली करा जाउथबा कार्य जेमते कि खाइबा खेलिबा पढ़िबा हसिबा गपिबा बुलिबा ओके पार्टी करिबा जेते सब कार्य रहिछि क्रिया रहिछि से सब हेजबा एक्शन वर्ब बा आकु हमें मेन वर्ब कहि परिबा नले खाली वर्ब भी आपु आकु कहि परिबा तबे अपन एक्शन वर्ब बा मेन वर्ब बा वर्ब कौन जानले एबे हमें हेल्पिंग वर्ब जानिबा हेल्पिंग वर्ब कौन जोटा कि हमें टेंस रे यूज करथाउ एंड सेटा इंडिकेट करथाय गोटे समय को ओके मीन्स टाइम प्लस सेंटेंस एंड हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन रही ना जेमते हमें कहबा इच एम आर वाच वेयर हैव हैज हैड विल बी ए सब हेउछ गोटे गोटे हेल्पिंग वर्ब हेजबो जेमते हमें वर्तमान रो किछि कथा कहबा वर्तमान को वर्तमान रो समय को सूचना पे हमें इच एम आर यूज करबा जोटा कि प्रेजेंट टेंस रे व्यवहार हेतै सेमती अतीत रो बा पास्ट रो समय को सूचना पे हमें वाज वेयर व्यवहार करबा हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर व्यवहार करबा हैड व्यवहार करबा जोटा कि हमें पास्ट टेंस रे यूज करथौ सेमती जदे हमें भविष्यत रो माने किछि टाइम जदे हमें सूचेबा फ्यूचर टाइम को सूचेबा सेठी हमें विल बी विल व्यवहार करबा हेल्पिंग वर्ब ओके सो एबे अपन हेल्पिंग वर्ब क्लियर हे जेतबे एबे हमें मॉडल वर्ब्स देखबा जेमती कि कैन कुड साल सुड मे माइट विल वुड मस्ट ए सब हेउची गोटोटे मॉडल वर्ब एंड सेमी मॉडल कौन जेमती कि मु पूर्वर कहले कि डेयर यूज्ड टू नीड ए सब हेउची गोटोटे सेमी मॉडल काहे कि ना एको हमें आज मेन वर्ब व्यवहार करि परिबा गोटे मुख्य क्रिया बा वर्ब रूप रे व्यवहार करि परिबा ता सहित गोटे मॉडल रूप रे भी व्यवहार करि परिबा सेतले कि एको सेमी मॉडल कहा जाउची ए तीनटा वर्ब को ओके नेक्स्ट नंबर 5
Stative verb. State verb or stative verb, the definition kondo hoichina, it's used to express the state of a subject is in and doesn't describe an action. Means gote sentence re a stative verb kono express korte na subject ro state ko, state of being ko, means subject ro sthiti ko express korte na ki action ko. Jodi subject ro action ko kono si word jodi describe koruchi, tale taku ame action verb kahiba ba main verb kahiba. But seta kon koribo na subject ro स्थिति को स्टेट को डिस्क्राइब करथव बा एक्सप्रेस करथव सेटा हमें कहबा स्टेटिव वर्ब जेंति कि हमें एग्जांपल्स थ्रू बुझिबा हमें फर्स्ट गुटे एग्जांपल नेले कि सी वाज हैप्पी एठी वाज हेउची गुटे आपण कहबेन कि वाज हेउची एठी गुटे हेल्पिंग वर्ब ना एठी वाज हेजबो गुटे स्टेटिव वर्ब काहे कि ना ओडिया मीनिंग कोन आसीबो ना सी वाज हैप्पी से खुशी थिला पास्ट रे कोन आसीले थिला गुटे स्टेट को पास्ट रे गुटे स्टेट को बा स्थिति को गुटे बुझौचे कि सब्जेक्ट रोटे स्थिति को सब्जेक्ट एठी होचे सी तो से खुशी थिला मीन्स अतीत कथा कहू अतीत गोटे स्टेट को बा स्थिति को बुझौचे कि से खुशी थिला सी वाज हैप्पी एठी हमें जानचे कि हेल्पिंग वर्ब हमर कोन टेंस रे व्यवहार होइते ना तो वाज जो हमर हेल्पिंग वर्ब को टेंस रे व्यवहार होइते ना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस रे तो एठी से खुशी हेउथिला एमती किछ कह जाउ ना से खुशी थिला कह जाउचे तो थिला हेउचे गोटे स्टेट गोटे स्थिति को बुझौचे ओके सी वाज हैप्पी तो एठी वाज हेउचे गोटे स्टेटिव वर्ब सेमती कहबा कि आई एम इन अ ट्रबल मु असुविधा अछि आई एम इन ट्रबल मु असुविधा अछि अछि अर्थर आम एटी आम यूज कले काहे कि एटी आम हेउ जे गोटे स्टेटिव वर्ब ना कि गोटे हेल्पिंग वर्ब जदि आम को आमे गोटे हेल्पिंग वर्ब रूपर व्यवहार करबा तले आमे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रे व्यवहार करबा तार मीनिंग अलग आसबो बट एटी कह जाउ कि मु असुविधा अछि त गोटे अछि एटी गोटे स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करूछि गोटे स्थिति को इंडिकेट करूछि सेति लागि आम यूज कले आम इन अ ट्रबल ओके सेमते कहबा कि यू सीम ऑफसेट तुमे चिंतित जना पड़छ बा तुम्हें चिंतित लगुछ यू सीम ऑफसेट एठी सीम हे गोटे स्टेटिव वर्ब एठी अपन कहबे कि सीम मीन्स देखा जीवा तो एटा गोटे तो मेन वर्ब गोटे हि जाउछ कहिना फिजिकली कार्यटा हेउछ तो एटा गोटे मेन वर्ब बट एटा मेन वर्ब हेबनी काहे कि ना एटा गोटे स्टेटिव वर्ब हेबो काहे कि ना गोटे स्थिति को स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करछ कि तुम्हें चिंतित जना पड़ुछ बा तुम्हें चिंतित लगुछ बा जना पड़ुछ गोटे स्थिति को स्टेट को इंडिकेट करूछ तो सेतलागे एटी सीम हेजबो गोटे स्टेटिव वर्ब तो एमती किछ वर्ड्स रहिछ जोटा स्टेटिव वर्ब को इंडिकेट करछ जेंते हम कहबा कि बिलीव want, no, promise, need, seem. ओके ए सब वर्ड से जब गोटे गोटे आपण भावुथे कि ए सब वर्ड से हो गोटे गोटे मेन वर्ब बा एक्शन वर्ब बट ए सब वर्ड हे जब गोटे गोटे स्टेटिव वर्ब सेमते इज एम आर वाज वेयर हैव हैज हैड ए सब भी हे जब गोटे गोटे स्टेटिव वर्ब काहे कि ना स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करू थाए ओके जदि आमे इज एम आर कथा कहबा एटा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस रो स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करू थाए सेमते वाज वेयर कथा कहबा पास्ट इंडेफिनेट टेंस रो स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करबो ओके तो ए सब वर्ब हे जबो बा वर्ड हे जबो गोटे स्टेटिव वर्ब ओके नेक्स्ट टाइप देखिबा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब तार मीनिंग कोन रहछि सो फर्स्ट आमे डेफिनेशन जानबा ट्रांजिटिव वर्ब रो इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग मीन्स एही ट्रांजिटिव वर्ब गोटे ऑब्जेक्ट दरकार करथे तारो मीनिंग को कंप्लीट करिया पई जो सेंटेंस रे ट्रांजिटिव वर्ब थिवो ना ता परे परे निश्चित रूपे गोटे ऑब्जेक्ट रहिबो ही रहिबो नहले सेही वर्ब रहियो कि सेही सेंटेंस रो फुल मीनिंग माने कंप्लीट ही हेबोनी सो ट्रांजिटिव वर्ब सबबले गोटे ऑब्जेक्ट नीड करथे एंड ता सहित सबबले गोटे ऑब्जेक्ट थाए बट इन ट्रांजिटिव वर्ब रो डेफिनेशन कोन रहछ ना इट कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम मीन्स इन ट्रांजिटिव वर्ब ता सहित गोटे वर्ब को ओके गोटे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं पारिबोनी ओके सो एथरु आमे जानले कि इन ट्रांजिटिव वर्ब परे आमे केबे भी ऑब्जेक्ट यूज करिबानी एंड ट्रांजिटिव वर्ब परे परे सब बडे गोटे ऑब्जेक्ट निहाती दरकार बट इन ट्रांजिटिव परे ऑब्जेक्ट लागि ही बनी तो सेही वर्ब को आमे कहबा इन ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब परे ऑब्जेक्ट ही नथिबो एंड जो वर्ब परे ऑब्जेक्ट थिबो सेटा होचो गोटे ट्रांजिटिव वर्ब एटा आपण गोटे सिंपल वरे मन रखुन देखि ट्रांजिटिव वर्ब सहित गोटे ऑब्जेक्ट आसीबो एंड इनट्रांजिटिव वर्ब सहित ऑब्जेक्ट आसीबोनी एबे आमे एग्जांपल्स थ्रू बुझिबा गोटे एग्जांपल देले कि वी लाइक्ड द मैच आमे बा आमको मैच भलो लागिला वी लाइक्ड द मैच आमको मैच भलो लागिला एठी वर्ड गोटे वर्ब कोन आसीला ना लाइक एंड तार पास्ट फॉर्म यूज होइछि लाइक्ड तो एठी आपण कहबे कि लाइक टू हेउछि गोटे ट्रांजिटिव वर्ब तो केमिते ट्रांजिटिव वर्ब हेला काहे कि ना लाइक्ड परे परे गोटे ऑब्जेक्ट रहूछि मैच सो एठी आपण क्वेश्चन करिवे कि एठी मैच गोटे ऑब्जेक्ट बोली आमे केमिति जानिबा ना प्रश्न कले जदि कोन कहा को आसुथिबो सेइटा हिजबो गोटे ऑब्जेक्ट जदि एठी आमे प्रश्न करिबा क्वेश्चन करिबा कि आमको कोन भलो लागिला तो सेइ कोन रे आंसर रे कोन आसिबो
मैच ही ऐसे कि मैच फॉलो लगे तो मैच हो गला गोटे ऑब्जेक्ट तो लाइट द मैच कहीं लाइट पर गोटे ऑब्जेक्ट रोचे तो लाइट हो गला गोटे ट्रांजिटिव वर्ब बट जो कह गोटे एग्जांपल नवा कि योर डॉग बार्क्स अ लॉट तुम कुकुर बहुत भूके तुम कुकुर बहुत भूके तो भूकवा हूँ गोटे वर्ब तो बार्क्स हो गला गोटे वर्ब बट एटा इनट्रांजिटिव वर्ब कौन पाई ना बार्क्स पर कौन से ऑब्जेक्ट ना सेंटेंस इनकम्प्लीट अच्छे कि तुम कुकुर बहुत भूके किसी सेंटेंस ना मीन्स कम्प्लीट करनेजेक्ट ना तो जेहे ऑब्जेक्ट ना तो ये बाक्स हो गला गोटे इनट्रांजिटिव वर्ब ओके तो ये आप एग्जांपल्स थ्रू क्लियर हो पारे ओके आम नेक्स्ट एग्जांपल आउटे एग्जांपल नवा कि आई क्लोज द डोर मुर बंद करदेली मुर बंद करदेली आई क्लोज द डोर ये क्लोज कौन पाई ट्रांजिटिव वर्ब है ना मु कौन बंद करदेली कौन रे कौन आसुचे कौन रे आंसर जो दबा कौन आस मैंने डोर कबाट बंद करी तो जेहेतु डोर गोटे ऑब्जेक्ट अच्छे तो हेतलागी क्लोज हो गल ट्रांजिटिव वर्ब नेक्स्ट देखिबा लिंकिंग वर्ब कौन तार डेफिनेशन कौन रही ना अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट अ सेंटेंस सब्जेक्ट विथ अ नाउन और अन एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट लिंक मीन्स हूँ कौन संयोग करवा कनेक्ट करवा तो सही लिंकिंग वर्ब हूँ कनेक्ट करें बट संयोग करें बट क्या संयोग करें क्या कनेक्ट करें लिंकिंग वर्ब मीन्स जो वर्ड टाइम कह क्या से कनेक्ट करें लिंक करें सेंटेन्स सब्जेक्ट मीन्स वाक्यर कर्ता जी थी सब्जेक्ट हूँ कर्ता तो वाक्यर जी कर्ता थी सब्जेक्ट थी सहित प्रेडिकेट्रे नाउन था ना एडजेक्टिव था सहित ओके वाक्यर कर्ता वाक्यर सब्जेक्ट सहित प्रेडिकेट्र नाउन और एडजेक्टिव को जो वर्ब कनेक्ट करें लिंकिंग वर्ब कहवा जमी दुटा एग्जांपल ने कि फर्स्ट एग्जांपल ने कि माय अंकल इज अ डॉक्टर सेकंड एग्जांपल ने कि यू सीम हैप्पी तो दुईटा सेंटेंस पत्र कह लिंकिंग वर्ब किए ना इच हूँ फर्स्ट सेंटेंस रे इच हो लिंकिंग वर्ब कहीं लिंक कर सब्जेक्ट एंड नाउन को एंड सेकेंड सेंटेंस रे सीम हो लिंकिंग वर्ब जोटा कि सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव को कनेक्ट कर लिंक कर सीम ओके सेटा हे जबो ओटे लिंकिंग वर्ब एते कोन साइट रे लेखा हिची कि फर्स्ट सेंटेंस आमे जो देखिबा तार सब्जेक्ट हिउची माय अंकल एलवी जोटा सेटा होची लिंकिंग वर्ब कोन हे गेलो ना इच एंड लास्ट जो रहला अ डॉक्टर सेटा हे जाउची ओटे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो कमे प्रेडिकेट भी कहि परबा काहे कि ना गुटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट एंड वर्ब परे आउ जहां भी रेस्ट रही गौ ना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जहां भी थी ना सेटा हिजबो उठे प्रेडिकेट तो एठी से प्रेडिकेट रे पार्ट रे कोन अछि ना अ डॉक्टर तो से अ डॉक्टर मधुर डॉक्टर हिउछ गोटे नाउन एंड माय अंकल हिउछ सब्जेक्ट डॉक्टर हिउछ नाउन जोटा कि एई दुईटा वर्ड को कनेक्ट के करछि ना इच जोटा गोटे लिंकिंग वर्ब सो फर्स्ट सेंटेंस रे माय अंकल हिउछ सब्जेक्ट एंड डॉक्टर हिउछ गोटे नाउन तो से सब्जेक्ट एंड नाउन को वर्ब एठे लिंक करिछे इच इच को वर्ड लिंक करी ना इच तो से इच हो गला गोटे लिंकिंग वर्ब एंड सेकंड सेंटेंस रे यू हूँ सब्जेक्ट एंड हैप्पी हूँ गोटे एडजेक्टिव ओके एंड से दुईटा वर्ड को वर्ड लिंक करी ना सेम तो सेम हो गला गोटे लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट जगह कि अच्छे ना यू एंड प्रेडिकेट पार्ट रे को वर्ड अच्छे ना एडजेक्टिव अच्छे हैप्पी एंड ये सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव को लिंक किए कर सेम तो यही वर्ड को हमें कौन कह लिंकिंग वर्ब सिम गोटे वर्ब एंड एटा को प्रकार वर्ब को टाइप वर्ब ना लिंकिंग वर्ब नेक्स्ट हमें देखा जमीन पढ़ी स्टार्टिंग रु कि ऑक्सिलरी वर्ब जमीक बी वर्ब टू वर्ब एंड हाफ वर्ब वर्ब हूँ गोटे गोटे ऑक्सिलरी वर्ब एंड बी वर्ब टू वर्ब एंड हाफ वर्ब रो फाइव फॉर्म्स रही वर्ब कह मेन वर्ब कह प्रत्येक वर्ब रो गोटे गोटे प्रत्येक वर्ब रो फाइव फॉर्म्स थाए सेमती बी वर्ब रो अछि डू वर्ब रो अछि एंड हाफ वर्ब रे भी अछि सो फर्स्ट हमें गोटे वर्ब नेले नॉर्मल गोटे वर्ब नेले कि गो गो मीन्स होची जीपा गोटे कार्य को बुझौ छै एंड एटा गोटे वर्ब बा हमें को एक्शन वर्ब कह परबा एंड मेन वर्ब भी कह परबा तो ए एक्शन वर्ब बा मेन वर्ब बा वर्ब एहर सब वर्ब प्रत्येक वर्ब रो फाइव फॉर्म्स थाए तो सेमती गो रो फाइव फॉर्म्स अछि गो हेउची वी1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म went hejbo v2 second form gone hejbo third form means v3 and going hejbo fourth form okay means v4 means jekon se verb re jodi ame ing add kar daba seta hejbo fourth form simply fifth form kon hejbo na jekon se verb re ame s nole es add kar dile seta verb re fifth form hejbo jemti ki go ro goes hei gala verb re fifth form simply b verb dekhiba b ro meaning heuchi heba
बी रो मीनिंग हेउचे हेबा हेबा अर्थरे बी व्यवहार हुए जोटा कि वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म सेमती तरह सेकंड फॉर्म हे जबो वर्चुअल बी वर्ब रो सेकंड फॉर्म हेउचे वा पास्ट फॉर्म हमें कहबा वर्चुअल एंड पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब रो थर्ड फॉर्म हे जबो बीन एंड बी वर्ब रो फोर्थ फॉर्म हे जबो बीइंग बी प्लस आईएनजी बीइंग एंड बी वर्ब रो फिफ्थ फॉर्म हे जबो ईच एम आर ओके जेमती गो वर्ब रो फिफ्थ फॉर्म हेला गोज सेमती बी वर्ब रो फिफ्थ फॉर्म हे जबो ईच एम आर सेमती हैव वर्ब एडी हाफ रो मीनिंग कोन हे जबो ना पाखरे अछि पाखरे अछि अर्थरा में व्यवहार करबा सेमती तार सेकंड फॉर्म हे जबो पा पास्ट फॉर्म हे जबो हैड मींस पाखरे थिला एंड बी थ्री मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हे जबो से सेम हैड एंड बी फोर हे जबो हाफ प्लस आईएनजी हैविंग ओके एंड बी फाइव फिफ्थ फॉर्म हे जबो हैज ओके सेमती डू डू वर्ब जदि आमे कहबा डू मीन्स हेउचे करिबा गोटे कार्य को बुझौचे तो डू हे गला गोटे मेन वर्ब बा एक्शन वर्ब बा वर्ब तो से डू हेउचे वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म मीन्स बी वन तारो सेकंड फॉर्म हे जबो डिड एंड थर्ड फॉर्म हे जबो डन एंड फोर्थ फॉर्म हे जबो डूइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हे जबो डज ओके सो एबे आमे हेल्पिंग वर्ब्स देखिबा जेमती कि हेल्पिंग वर्ब मीन्स हेउचे सहायकारी क्रिया जेमती कि आमे टेंसेस रे यूज हेथाय तो कोन कोन अछि ना तारो काम कोन यह वाक्य रे समय रो सूचना देथाय जेमती आमे पूर्वरो पढ़िले कि टाइम प्लस सेंटेंस टेंस प्लस टाइम प्लस सेंटेंस जेमती कि ईच एम आर प्रेजेंट टेंस रे यूज हेतै वाच वेयर पास्ट टेंस रे हैज हैव हैड जदि आमे कहबा हैज हैव प्रेजेंट टेंस रे एंड हैड को आमे पास्ट टेंस रे यूज करथौ सेमती विल बी फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यतर समय को सूचाइ थाय जेमती आमे एग्जांपल्स देखिबा कि ही इज डूइंग वर्क से काम करूछि एठी हेल्पिंग वर्ब ईच एड हेछि एठी हेल्पिंग वर्ब ईच यूज हेछि ही इज डूइंग वर्क से काम करूछि मीन्स वर्तमान प्रेजेंट रो समय को सूचाउछि कि से काम करूछि वर्तमान रो समय को सूचाउछि प्रेजेंट टाइम को सूचाउछि ही इज डूइंग वर्क मीन्स एटा को टेंस हमर हेलो ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही इज डूइंग वर्क एट ईच हेला हेल्पिंग वर्ब सेमते कहबा जते सेंटेंस को कहबा कि ही वाज डूइंग वर्क तारो मीनिंग हेछि कि से काम करूथिला वाज वेयर असिगला माने पास्ट टेंस को बुझेबो पास्ट टेंस रो टाइम को ओके मीन्स अतीतर समय को सूचेला कि से काम करूथिला सेमते कहबा कि ही हैज डन वर्क से काम करि सारिछि मीन्स वर्तमान रे कोनसे कार्य कंप्लीट हेइ सारिछि सूचौछि तो सेतले हमें हैज यूज करले जोटा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे यूज हेथे एंड एठी देखंतु डू रो थर्ड फॉर्म यूज हेछि डन ओके ही हैज डन वर्क सेमती कहबा हि हैड डन वर्क से डुईंग हबनी कहीं हैड सहित आम वि थ्री यूज करवा वर्ब रो थर्ड फॉर्म तो डू रो डन ही हैड डन वर्क से काम कर सारी मीन्स अतीतर कौन कार्य कम्प्लीट हो सारी से विषय हैड इंडिकेट करुचे ओके हि हैड डुईंग हि हैड डन वर्क हैड प्लस वि थ्री तो आम तर स्ट्रक्चर आम गोटे जानले हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस रे कोटी यूज करवा तर स्ट्रक्चर कौन रही ना सब्जेक्ट आसो सब्जेक्ट पर ही आम हेल्पिंग वर्ब रहा है हेल्पिंग वर्ब आम यूज करवापर वर्ब रहा है वर्ब मीन्स जो आम पढ़ले कि एक्शन वर्ब बा मेन वर्ब कहपर पर जाकि ऑब्जेक्ट रहा है लास्ट रे ओके जमी आम जानले कि ईच एम आर वाज वाच वेयर सहित आम मेन वर्ब रो फॉर्म यूज करवा ना वर्ब रो फोर्थ फॉर्म बा आईएनजी फॉर्म यूज करवा जमी आम कह डू रो डूइंग राइट रो राइटिंग ओके फोर्थ फॉर्म यूज करवा सेमती हैज हैव हैड सहित मेन वर्ब रो को फॉर्म आम यूज करवा थर्ड फॉर्म जमती डू रो डन आम कहवा हैव रो हैड कहवा सेमती हैज हैव हैड प्लस बीन जितने थी हैज हैव हैड सहित बीन रहिले एटा को टेंस को इंडिकेट करूछे ना जदि आम हैज हैव प्लस बीन कहवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को एंड हैड प्लस बीन कहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को एंड ता सहित मोर मेन वर्ब कौन रहा ना फोर्थ फॉर्म रहा वर्ब रो फोर्थ फॉर्म बा आईएनजी फॉर्म लगे ओके हेल्पिंग वर्ब जानले सहित को मेन वर्ब रो को फॉर्म यूज हे से जानले एवं मॉडल वर्ब्स जानवा मॉडल वर्ब्स रो तर काम कौन वाक्य संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी रो सूचना देथाय मीन्स को कार्यटा हेबार केते संभावना अछि केते पॉसिबिलिटी रही सेटा ही मॉडल वर्ब्स टा इंडिकेट करथाय जेमते मॉडल वर्ब्स कहले जेमते कि वुड कुड शुड मे माइट मस्ट कैन विल शल ए सब होछि गोटे गोटे मॉडल वर्ब जेमते मे कहबा कि ही वुड बी डूइंग वर्क से काम करूथिबो एठी आमको पर्टिकुलरली जणा नाही कि से काम करूथबो कि नाही बट आमे पॉसिबिलिटी सहित कहूचे कि से काम करूथबो ही वुड बी डूइंग वर्क सेमते कहबा ही मे बी डूइंग वर्क जदि आमे कहबा हुए तो से काम करूथबो मीन्स एठी पॉसिबिलिटी आसुचे कि 50-50% आसिबो कि से काम करूथाय पारे न करूथाय भी पारे ओके ही मे बी डूइंग वर्क से हुए तो काम करूथबो जदि आमे कहबा कि ही मे कम टुडे से आज आसी पारे ही मे कम टुडे से आज आसी पारे
मीन्स आसीबा नसर चांसेस कौन रही ना 50-50% थी। हि मस्ट बी डूइंग वर्क, से निश्चय काम करूथ। कहवा कि 100% कहपरिया कि से निश्चय काम करसबिलिटी मोर पसबिलिटी रोचे। से कहवा कि हि कुड बी डूइंग वर्क, से कम करूपे। हि कुड बी डूइंग वर्क, एटी भी पसबिलिटी सेन्स यूज करागला कुड बी। ओके, तो जदि सिंगल मॉडल थी जमीक उड कुड साल सुड मे माइट मस्ट ता सहित तो जो मेन भव आस सब भव फर्स्ट फर्म ही आस मीन वी ओन आस। बट जो मॉडल सहित बी यूज करवा जेकोसी मॉडल सहित बी एड कर पैसिव रे थी वर्ब थर्ड फॉर्म आस एंड एक्टिव वॉइस रे थी वर्ब फोर्थ फॉर्म आईएनज फॉर्म आस। मॉडल सहित हाफ यूज करवा से एक्टिव वॉइस रे हो कि पैसिव वॉइस रे हो सबुथरे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहे। ओके, सेमती जदि मॉडल थी एंड हाफ टू थी सब वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहे। अपन टाइप्स ऑफ वर्ब्स जानले बट एटा किछ बेसिक थिंग्स जोटा कि जानबा जरूरी। नेक्स्ट हम देखबा कि वर्ब जोटा कि रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब रहिछ जोटा कि अपन से नॉलेज भी रहिबा दरकार। रेगुलर वर्ब कहले कोना जेमति कि हमें जानिले ना कि वर्ब रो प्रत्येक वर्ब रो फाइव फॉर्म्स थाए बट इट मैटर करछ सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म मैटर करछ। ओके, तो रेगुलर वर्ब कोना जहार सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सहित जो वर्ब रो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रे ईडी एड हेथबो से कह रेगुलर वर्ब। जमीन कह लुक लुक तर सेकेंड फॉर्म हूँ लुक्ड एंड थर्ड फॉर्म हूँ लुक्ड ईडी ईडी एड हो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रे। सेमती आउट एग्जांपल नवा कि वर्क वर्क तर सेकेंड फॉर्म हूँ वर्कड एंड थर्ड फॉर्म हो वर्कड तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रे ईडी ईडी लगी तो या कह रेगुलर वर्ब मीन्स जहाँ सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम थी। एंड इरेगुलर वर्ब कहले जहाँ सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट थी इरेगुलर वर्ब। जमी कह गो गो रो सेकेंड फॉर्म हो वेंट एंड थर्ड फॉर्म हो गन जोटा कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट अच्छे। सहित जो वर्ब रो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम थीटा भी आम भी कह इरेगुलर वर्ब। जमी कह कट कट हे गोटे वर्ब काटा तो तार सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रोच कट कट। सेमती पुट आम जब कह पुट मीन्स रखा तार सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रोच पुट पुट तो या कौन कह इरेगुलर वर्ब। सेमती जब कह बाय गोटे वर्ब कह बाय कि तार सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रोच कि बाय बट बट तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जेहतु सेम रोच एटा गोटे इरेगुलर वर्ब हो। एंड जो वर्ब रो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट थी सेटा भी गोटे इरेगुलर वर्ब। बट जो वर्ब रो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रे ईडी लगुथ्वे सेटा हो रेगुलर वर्ब। ओके,